हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास क्या होती है। व्हाट इज स्टोरेज क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स, यानी कि स्टोरेज क्लास क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। आ स्टोरेज क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफाइंस द स्कोप, लाइफ टाइम, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू एंड स्टोरेज स्पेस ऑफ अ वेरिएबल। यानी जो स्टोरेज क्लास होती है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफाइन करती है, जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होगा हमारे प्रोग्राम में, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, और वो डिफॉल्ट यानी कब तक वो हमारे प्रोग्राम को एक्टिव रखेगा, और इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें, और उसका स्कोप क्या होगा यानी कि मेमोरी में वो कितना स्पेस लेगा, जो हमारा जो हम वेरिएबल को बना रहे हैं वो मेमोरी में कहाँ पर स्पेस ले रहा है, कहाँ पर जगह ले रहा है और कितनी मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, और उसका लाइफ टाइम क्या है और वो कब तक एक्टिव रह सकता है, ये सारी चीजें हम पहचानने के लिए स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमारा सी में था सेम वैसे ही हमारा स्टोरेज क्लास सी प्लस प्लस में भी वर्क करता है। सिंपल सा इसका काम क्या होता है, एक स्टोरेज क्लास आइडेंटिफाई करता है कि वह किस प्रकार का वेरिएबल है और यह मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा। सी प्लस प्लस में स्टोरेज क्लास से हम एक वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन, उनका स्कोप और विजिबिलिटी आदि को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, यानी पहचानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है कोई भी जो वेरिएबल होता है हमारे मेमोरी में। अब हम देखते हैं ये कितने टाइप्स की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास इन सी प्लस प्लस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट हमारा होता है ऑटोमेटिक, जिसको हम ऑटो कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास या फिर स्पेसिफायर क्लास, या फिर आप स्पेसिफायर भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज स्पेसिफायर या फिर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास आप बोल सकते हैं दोनों। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, यानी कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है। ऑटोमेटिक जो हमारा स्टोरेज क्लास होता है इसको हम एज अ लोकल वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे हमारा लोकल वेरिएबल वर्क करता है सेम हमारा वैसे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास भी वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, जैसे हमारा स्टैटिक वेरिएबल था सेम वैसे ये वर्क करता है। एक्सटर्नल जो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है इसको हम एक्सटर्नल कीवर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है जिसको मैं एज अ ग्लोबल, जैसे हम अपने प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते थे सेम वैसे ही हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास भी वर्क करता है। फोर्थ हमारा जो है वो है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है, ये एक ऐसा स्टोरेज क्लास होता है जिसकी मेमोरी सीपीयू के बिल्कुल नजदीक बनती है और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो वेरी फास्ट होता है। फोर्थ हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिक्लेयर करेंगे और आपको प्रोग्राम बना करके दिखाएंगे, एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक क्या होता है, स्टैटिक, एक्सटर्नल क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, सारे स्टोरेज क्लास क्या होते हैं और इनका मेमोरी में क्या स्कोप होता है और इनका लाइफ टाइम क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं ये मेमोरी में कितना स्पेस लेता है और इसका लाइफ टाइम कब क्या होता है, यानी कब तक ये हमारे प्रोग्राम में एक्टिव रहता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा स्टोरेज क्लास का मतलब यही है कि हम कोई भी वेरिएबल जो बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की वैल्यू को अपने मेमोरी के अंदर क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो वो मेमोरी में कितना स्कोप लेगा यानी कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं। और वो डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब वो डेटा टाइप कैसे वर्क करता है और जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, यानी उसका डेटा टाइप किस टाइप का है और हमारी मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, इसको पहचानने के लिए और उसका लाइफ टाइम क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में एक्टिव कब तक रह सकता है वो वेरिएबल, इसी को पहचानने के लिए हम स्टोरेज क्लास को पढ़ते हैं और इसका लाइफ टाइम पता करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टोरेज क्लास इन सी प्लस प्लस। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम इन सभी के बारे में सीखेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका लाइफ टाइम क्या होता है और स्कोप क्या होता है हमारे प्रोग्राम में, मेमोरी में। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।